हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे फेस्टिवल्स यानी कि त्यौहार जैसे कि दिवाली है होली है ईद है आपको कौन सा फेस्टिवल पसंद है आई थिंक होली यू लाइक क्योंकि होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स इसमें आप बहुत सारे कलर्स के साथ फन करते हो ओके okay? कितने टाइप के फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर फेस्टिवल्स इंडिया इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स On various occasions, we meet our friends and relatives. We all like to celebrate festivals. Festivals are an occasion for family gathering. They are time to have fun with our relatives and friends. They bring joy and happiness in our life. People wear new colorful clothes. They cook special, delicious food. They also greet one another and exchange gifts and sweets. इंडिया इज़ द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स बच्चों इंडिया जो है वो लैंड ऑफ़ फेस्टिवल्स कहते हैं उसे क्यों क्योंकि इंडिया इकलौता ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं और अलग अलग ओकेज़न पर हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं रिलेटिव से मिलते हैं उनके साथ मिलके हम फेस्टिवल को मनाते हैं त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स आर एन ओकेज़न फॉर फैमिली गैदरिंग फेस्टिवल एक तरीके से एक ओकेज़न होता है जब हम पूरे परिवार हमारा इकट्ठा होता है और हम खूब सारा फ़न करते हैं अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी जॉय और हैप्पीनेस हमारी लाइफ में फेस्टिवल्स लेके आते हैं नए कपड़े पहनते हैं लोग फेस्टिवल्स में और नए नए तरीके का खाना बनाते हैं यम्मी फूड बनाते हैं और एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और एक दूसरे के साथ गिफ्ट और स्वीट्स को एक्सचेंज करते हैं फर्स्ट फेस्टिवल इज दिवाली दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया दिवाली इज कोल्ड द फेस्टिवल ऑफ़ लाइट्स

इस दिन हम गॉडेस लक्ष्मी से प्रे करते हैं और गणेश जी से प्रे करते हैं मंदिर में जाकर भी हम प्रे करते हैं और अपने घर को खूब सारे दियाज और कैंडल्स के साथ डेकोरेट करते हैं चिल्ड्रन जो हैं बच्चे जो हैं वो पटाखे जलाते हैं नए कपड़े पहनते हैं और आपस में जो रिलेटिव्स होते हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और स्वीट्स देते हैं ओके नेक्स्ट इज़ पोंगल पोंगल इज मेनली अग फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु इन दिस फेस्टिवल पीपल वर्शिप द रेन काओ एंड सन पोंगल जो है वो कहाँ का फेस्टिवल है तमिलनाडु स्टेट का फेस्टिवल है इस दिन जो लोग हैं वो क्या करते हैं तमिलनाडु के वो बारिश का वर्शिप करते हैं और काओ की वर्शिप करते हैं और सन की वर्शिप करते, है. करते हैं इन तीन चीज़ों की वो पूजा करते हैं पोंगल के दिन नेक्स्ट इज ओनम ओणम ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल ग्रांड बोट रेसिज टेक प्लेस इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ़ केरला ओणम कहाँ का फेस्टिवल है केरला स्टेट का फेस्टिवल है इस दिन जो लोग हैं वो बोट की रेस करते हैं आपने देखा होगा बहुत सारी कैलेंडर्स में बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं तो ये बड़ी बड़ी बोट्स हैं इनकी रेसिस होती है ओणम के दिन और ये फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है केरला में next is christmas christmas falls on 25th of december it is the birthday of jesus christ on this day people go to church offering prayer they decorate their homes with the christmas tree they exchange gifts children wait for santa claus to bring gifts we all love a christmas cake क्रिसमस जो फेस्टिवल है वो ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ दिसंबर ऑफ एवरी ईयर मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो जीसस क्राइस्ट थे जो क्रिश्चियंस के गुरु थे उनका बर्थडे होता है और लोग इस दिन क्या करते हैं चर्च में जाके कैंडल जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने घरों को एक क्रिसमस ट्री से सजाते हैं एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और चिल्ड्रन जो हैं वो सेंटा क्लोज की वेट करते हैं ताकि सेंटा क्लोज आए और उनको बहुत सारे गिफ्ट दे के जाए और हम सबको क्रिसमस केक जो होता है वो भी बहुत पसंद होता है नेक्स्ट इज़ गुरुपुरब गुरुपुरब इज़ द बर्थडे ऑफ गुरु नानक सिक्स डेकोरेट देयर हाउसेज विद लाइट्स दे गो टू द गुरुद्वारा एंड रीड देर हॉली बुक गुरु ग्रंथ साहेब सिट फ्रॉम अ कॉमन किचन कोल्ड लंगर इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्युनिटी फिस्ट विच इज़ ऑर्गेनाइज एट डिफरेंट प्लेस मैनी प्रोसेशन आर टेकन आउट ऑन दिस डे गुरुपुरब ये जो फेस्टिवल है बच्चों ये सिख्स का फेस्टिवल है जो सिख लोग होते हैं उनका फेस्टिवल है और इस दिन पूर्व क्यों मनाया जाता है क्योंकि उस दिन जो उनके गुरु थे गुरु नानक जी उनका बर्थडे होता है जो सिख पीपल होते हैं वो अपने घर को लाइटों से सजाते हैं जैसे हम लोग दिवाली पे अपने घरों को लाइटों से सजाते हैं वो लोग अपने घर को गुरुद्वारे को लाइटों से सजाते हैं गुरुद्वारा में जाते हैं और जो उनकी होली बुक होती है गुरु ग्रंथ साहिब उसको रीड करते हैं और सिख जो हैं वो एक कॉमन किचन यानी कि एक लंगर ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और ये जो कम्युनिटी फेस्ट है ये जो लंगर है ये अलग अलग जगह पर लगाया जाता है और बहुत सारे प्रोसेशन होते हैं इस दिन जो सिख पीपल लोग फॉलो करते हैं नेक्स्ट इज होली होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड फन वी प्ले विद गुलाल एंड कलर्ड वॉटर वी सिंग एंड डांस ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल वी ऑल्सो ईट अ स्पेशल स्वीट डिश कोल्ड गुजिया होली जो आपका फेवरेट फेस्टिवल है दिस इज कोल्ड फेस्टिवल ऑफ कलर्स और इस दिन हम कलर्स के साथ खूब सारी मस्ती करते हैं ये जो त्यौहार है बच्चों ये गुलाल और रंगों के साथ पानी के साथ खेला जाता है और इस दिन हम एक स्पेशल डिश भी खाते हैं जिसका नाम है गुजिया और हम बहुत सारा डांस करते हैं बहुत सारे गाने गाते हैं और रंगों के साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं नेक्स्ट इज ईद ईद इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ द मंथ ऑफ फास्टिंग इट कम्स आफ्टर थर्टी डेज ऑफ फास्टिंग इन द मंथ ऑफ फ्राम जान पीपल ग्रीट इच अदर बाई से ईद मुबारक पीपल वीअर न्यू क्लॉथ्स एंड प्रे एट मॉस्क्यूज द स्पेशल डिश इटर्न ऑन दिस इज कोल्ड सेवैया ओके ईद ईद इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम जो मुस्लिम लोग होते हैं उनका फेस्टिवल होता है ईद और ये कब खत्म होता है जब तीस दिन का जब फास्ट खत्म होता है तब ईद होता है जिस दिन पूरा चांद निकलता है लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं जैसे आपने देखा होगा जो मुस्लिम लोग हैं टीवी में देखा होगा मूवी में देखा होगा ईद मुबारक ऐसे वो लोग बोलते हैं और इस दिन क्या करते हैं वो लोग नए कपड़े पहनते हैं और मोस्क्यूज़ में जाके मस्जिद में जाके प्रे करते हैं और इस दिन एक स्पेशल डिश वो लोग बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं सेवैयाँ ओके नेक्स्ट इज़ नेशनल फेस्टिवल्स ओके बच्चों अभी हमने जो फेस्टिवल्स पढ़े वो हमारे अकॉर्डिंग टू रिलीजन थे जैसे हिंदू लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं मुस्लिम और क्रिश्चियन और सिख क्या सेलिब्रेट करते हैं अब हम बात करेंगे नेशनल फ़ेस्टिवल्स के बारे में नेशनल फेस्टिवल्स द होल नेशन सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे गांधी जयंती एंड रिपब्लिक डे सो वी कॉल दैम आर नेशनल फेस्टिवल चाहे वो किसी भी रिलीजन से हैं हिंदू हैं मुस्लिम हैं सिख हैं क्रिश्चियन हैं वो जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो हर लोग सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त गांधी जयंती है सेकेंड ऑफ अक्टूबर रिपब्लिक डे है ट्वेंटी ऑफ जनवरी ये जो फेस्टिवल हैं वो हम सब लोग फॉलो करते हैं हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं और इनको क्या कहते हैं नेशनल फेस्टिवल्स फर्स्ट इज रिपब्लिक डे रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी एवरी ईयर वी हैव अ ग्रैंड परेड इन डेली ऑन दिस डे ट्वेंटी हर साल की छब्बीस जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन दिल्ली में बहुत बड़ी परेड होती है नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्टींथ अगस्त एवरी ईयर द प्राइम मिनिस्टर द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन डेली ऑन दिस ओकेजन एंड इंडिपेंडेंस डे जो है वो फिफ्टीनथ ऑफ अगस्त हर साल की पंद्रह अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और इस दिन दिल्ली का जो लाल किला है रेड फोर्ट है वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी प्राइम मिनिस्टर जी झंडा फहराते हैं हमारा जो नेशनल फ्लैग है तिरंगा वो फहराते हैं नेक्स्ट इज़ गांधी जयंती गांधी जयंती इज़ celebrated ऑन 2nd ऑफ अक्टूबर इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन ही इज़ also called बापू गांधी जयंती का जो फेस्टिवल है वो दो अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिन महात्मा गांधी जो फादर ऑफ नेशन हैं उनका बर्थडे होता है वो हम सेलिब्रेट करते हैं और महात्मा गांधी को हम प्यार से क्या बोलते थे बापू बोलते हैं दिस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री विद लव एंड पीस ये जो फेस्टिवल हैं नेशनल फेस्टिवल जो हमने पढ़े ये पूरी कंट्री में लव और पीस के साथ मनाए जाते हैं ओके बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा आपको फेस्टिवल समझ आए होंगे कि रिलीजन फेस्टिवल कौन से हैं और नेशनल फेस्टिवल कौन से हैं दोनों का डिफरेंस आपको समझ आया होगा अब आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे